अब बात करते हैं कैसे मुझे तुम मिल गए। जी हाँ, क्योंकि अमृता और विराट भी यही सोच रहे हैं। अमृता तो पहले से ही जेल में थी, अब विराट भी आ गए हैं। दोनों यही सोच रहे होंगे कि जेल में भी कैसे मुझे तुम मिल गए। कहते हैं सही समय पर अपना दिमाग लगाना है, जो कि अमृता ने ठीक वैसा ही किया है। अब अगर अमृता जेल के अंदर है जबकि उसने कोई गुनाह नहीं किया है, तो ऐसे में फिर जो उसे नसीहत देने आया था, जो उसे एक क्रिमिनल समझ रहा है, उसे भी तो सलाखों के पीछे होना चाहिए। लेकिन कैसे, यही बात शायद अमृता के मन में आई थी। तभी तो उसने देखिए कैसे दिमाग लगाया, अमृता और विराट के बीच बहस शुरू हुई। हाथ में पानी का ग्लास था, दोनों में झड़प चल रही थी। ऐसे में पानी पुलिस ऑफिसर पर जा गिरा। अब अमृता यही तो चाहती थी। पुलिस ऑफिसर ने पहले तो किसी की बात नहीं सुनी, सीधे अंदर कर दिया विराट को। जाने वाला था, इसकी बात खत्म हुई तो 2 घंटे से ऊपर हो चुके। सर रुकने की परमिशन कैसे दी? एक तो नियम तोड़ता और ऊपर से बड़े पुलिस ऑफिसर के साथ बदतमीजी भी। अभी क्या अभी सभा का बर्बाद करा? क्या बात कर रहे हैं आप जानते भी हैं कि मैं कौन हूं। दिल्ली से हूं ना, बातों से पता चल रहा है। अब जेल के अंदर एक से भले दो वाली सिचुएशन हो गई है। अब विराट बाहर निकलेगा तो अमृता भी निकलेगी, और उसके बाद देखा जाएगा कौन सही है, कौन गलत है, फिर कौन सजा का हकदार है। क्योंकि बाहर निकलने के बाद तो अमृता खुद को बेगुनाह साबित कर कर ही दम लेगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।